हेयरफॉल एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता था कि सिर्फ बड़े अंकल लोगों को होती है, लेकिन हमारी आजकल की लिविंग लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस की वजह से वो हमारी जनरेशन में भी आसानी से देखने को मिल जाती है। हेयरफॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, स्पेशली तब जब आपको खुद को पता हो कि आप हेयरफॉल को फेस कर रहे हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सिंपलेस्ट हैक जो आपके बढ़ते हेयरफॉल में आपकी हेल्प करेगा। बाय द वे, हम इस चैनल पर मेंस हेयर केयर और मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड बात करते हैं और मुझे पता है कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो हम चलते हैं आज के पहले हैक पे, जो कि है मसाज योर स्कैल्प डेली। अब ये स्टेप सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेयर मसाज आपको रिलैक्स फील कराने के साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ को भी स्टिम्युलेट करता है। हेयर मसाज आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी में कैरी कर रहा होता है, वही न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को और अच्छे से मिल पाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। कैसे? क्योंकि आपने इस सिंपल स्टेप को सिर्फ सुना ही नहीं, बाकी अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई भी किया। हेयर मसाज आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ आपको रिलैक्स फील कराती है, और जो आपका टेंशन है और स्ट्रेस है उसको रिलीज करती है, जो कि एक दूसरे वे में आपकी हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। कैसे? क्योंकि स्ट्रेस आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप जब जब स्ट्रेस लेते हैं वो आपकी हेयर क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके हेयर लॉस का एक मेजर रीजन बन जाते हैं। अब आपको मसाज करनी कैसे है? सिंपली अपनी फिंगर टिप से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, और आपको ये एक अच्छी नींद देने के साथ साथ आपकी हेयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हैक पे, जो कि है स्टार्ट यूजिंग अ बायोटिन सप्लीमेंट। अब आप इसे नेचुरल फूड से भी ले सकते हो, पर अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या आपको एक फास्टर रेट पे हेयर ग्रोथ चाहिए, तो ट्राई करो आप इसको टैबलेट्स के फॉर्म में लो। या तो आप इसकी डायरेक्ट बायोटिन रिच टैबलेट्स ले सकते हो, या ऐसे मल्टीविटामिन्स को ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में जो बायोटिन रिच होते हैं। पर बायोटिन होते क्या है? बायोटिन को हम विटामिन B7 भी बोलते हैं, और ये हमारे बालों में क्रिएटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। क्रिएटिन वो प्रोटीन टाइप होता है जिससे हमारे बाल बने होते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली अपने हेयर फॉल को टारगेट करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप अपनी डाइट में बायोटिन टैबलेट्स को जरूर ऐड कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, जो है स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके हेयर लॉस का एक मेजर रीजन बन सकता है। वो कैसे? वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिगरेट्स और ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देते हैं, और जब आपके ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं तो आपके बालों तक उतना न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू पहुंच नहीं पाता जितनी उनको जरूरत होती है। जब आपकी ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएंगी, तब वो उतने न्यूट्रिएंट्स कैरी करके आपके बालों तक नहीं पहुंचा पाएगी जितनी उनको जरूरत होती है, और जब उतने न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को नहीं मिल पाते हैं तो वो आपकी पुअर हेयर क्वालिटी और हेयर लॉस का एक मेजर रीजन बन जाते हैं। इसी के साथ साथ आपकी स्मोकिंग हैबिट से वो स्मोक आपके बालों में चली जाती है, जिससे एक अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है जो पर्सनली मुझसे टॉलरेट नहीं होती है। इसलिए शॉर्ट टर्म क्यूल बनने के लिए अपने आप का लॉन्ग टर्म हार्म मत करो। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो मैंने खुद अभी रिसेंट में सीखा है, जो कि है यूज सिल्क पिलोज। हम रोज रात जब भी सोते हैं तब हमें हमारी हेयर क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेडेड मिलती है अगली सुबह। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यूज करते हैं कॉटन पिलोज, और कॉटन पिलो का नेचर होता है एब्जॉर्बिंग, और पूरी रात जब हम सोते हैं तब वो कॉटन पिलोज हमारे फेस और हमारे बालों से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिल्क पिलो यूज करने से आपके फेस को एक सूदिंग एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ वो आपके बालों से मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और आपकी ओवरऑल हेयर क्वालिटी को डैमेज नहीं करेगा। तो ये थे मेरे आज के वो सिंपलेस्ट हैक्स जिससे आप अपने हेयर फॉल को क्योर कर सकते हो। इन्हें ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, ताकि एल्गोरिदम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो कर सके। अगर आपका कोई फ्रेंड हेयर फॉल से परेशान है, तो मेक श्योर आप इसके साथ इस वीडियो को शेयर करो।